को बता दें, क्रूज ड्रग्स केस जो है वो एक मुकाम तक पहुंच गया है। एनसीबी की लंबी छानबीन हो चुकी है। आर्यन एनसीबी की कस्टडी और उसके बाद जेल में कई दिन गुजार चुके हैं और अब तो आर्यन खान को जमानत भी मिल गई है। लेकिन क्या इससे ड्रग्स केस अपनी असल मंजिल पर पहुंच गया? जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई अनसुलझे सवाल ऐसे हैं जो अभी भी बाकी हैं और इन सवालों पर हम नजर डालते हैं। तो क्या कुछ ये सवाल हैं केस जुड़े हुए, अनसुलझे सवाल। ड्रग्स केस में पूजा डडलानी का रोल क्या है? पूजा डडलानी यानी कि शाहरुख खान की मैनेजर जो है, उनको लेकर पहला सवाल है कि उनका रोल यहां पर क्या है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, पूजा से एनसीबी पूछताछ करेगी तो फिर कितने राज खुलेंगे, क्योंकि 25 करोड़ का जिसका जिक्र हो रहा है वो पूजा डडलानी के आसपास ही घूम रहा है। क्या शाहरुख की मैनेजर ने सब कुछ मैनेज कर लिया, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आर्यन की जमानत से एनसीबी को कितना बड़ा झटका, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आर्यन की जमानत होती तो उसके बाद मामला रफा दफा हो सकता है, ऐसे में क्या एनसीबी को झटका है? प्रभाकर गोस्वामी और सैम, ये कितना बड़ा ड्रग्स का गैंग है? और इससे बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं ये सैम वो सैम तो नहीं, और असली सैम कहां पर? अब देखिए, ये सब सेम टू सेम हो रहा है, लेकिन ये सैम को लेकर भी एक सवाल है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और इन सवालों के जवाब की तलाशने की कोशिश करेंगे। और ये अहम खबर आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे इस मसले पर चर्चा की तरफ। ड्रग केस में एनसीपी और बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। नवाब मलिक ने कहा है कि बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, कलाकारों और इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। आरोपों पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग का जवाब, देश को बांटने की संस्कृति बंद करें। हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई को, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए और योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, ताजमहल होटल में आकर लोगों से मिले, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के जो भी किरदार थे वो जाकर उनसे मिले थे, उन्हें ये लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करके ये बॉलीवुड मुंबई से बाहर चला जाएगा। बॉलीवुड को बदनाम कर देने से ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी वुड तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे के लोग अगर यहाँ पर आए तो उन्हें पहचान इस बॉलीवुड ने दिया, कोई गुजरात से आया तो बॉलीवुड ने उन्हें पहचान दिया, कोई महाराष्ट्र का है तो उसे भी पहचान मिली, कोई तमिलनाडु से आया उसे भी पहचान मिली, मुंबई ये मिनी भारत है। नवाब मलिक साहब तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये विषय अभी न्यायालय के अधीन है, न्यायालय जांच कर रहा है, उस पर कुछ भी बोलना गलत होगा। और मैं उनसे भी कहूंगा कि अहंकार की टिप्पणियां और लड़ाने की सोच, देश को बांटने की संस्कृति बंद करें, कानून को अपना काम करने दें।